जादन जगत माना पहल कही रसाए ज्ञान ध्यान कोट जोग जग न समान है। जिस दिन जगत दे मान नी प्रभु जी ने रसाए प्रेम चरस के परम प्रसन्न होके सेवा टहल करनी फरमाई उस सुभागे दिन दे बराबर करुणा दुनियावी ज्ञान ध्यान जोग जग राज आद नहीं हन। जा दिन पई पनिहारी जगन्नाथ जी की ता समना शत्रधारी कोटन कोटान है। जिस दिन जगत दे मालक पूर्ण प्रभु जी दी पानी भरन वाली सेवा प्राप्त हुई उस दिन दे सुख तुल गुणा करोड़ा छत्रपति राज भी नहीं हो सकते। जल टोयो सतगुर के द्वारे बेदे पायो मोख द्वारे। तरन तन सतगुरु अमरदास साहब जी ने सतगुरु दूजे पातशाह जी दे चरणा च 12 साल जल टोन दी सुभ सची मान सेवा कीती। जा दिन पिसन हारी पई जग जीवन की अर्थ धर्म काम मोख दासान दासान है। जिस दिन जगत दे जीवन प्रभु जी दे दर ते दाने पीहन हारी होन दी सेवा प्राप्त हो गई तां चारे पदार्थ धर्म अर्थ काम मोख दासां दे दास हो गए पाप प्राप्त हो गए। इन्हां दी इच्छा ही दिल विचों मिट गई। छिरकारी पनिहारी पीसनहारी को जो सुख प्रेमनी प्यारी को अकथ अनुमान है। वाहिगुरु जी दी प्यारी प्रेमनी प्रेमन नूं छिड़काओ करन पानी भरन ते दाने पीहन वाली दी वड्याई प्राप्त हो गई। उस दे सुख दा अनुमान अंदाजा लाउणा भी कहन कसन तों परे परे है जी। तिनकी तूड़े मांगे मानो मेरा जिन विसरहे नाहीं काहू बेरा। तन परम पूजनी को सचे सतगुरु अर्जन देव साहब जी महाराज फरमाउंदे हन जिन जिन्हां गुरसेवकां प्रेमियां नूं अठां पहरां च काहू किसे बेरा वेले पी परमात्मा जी नाहीं विसरहे भुलदे। यथा सुख अराधा नो दुख अराधा नो बिसरै न काहू बेरा। मेरा दर्शन दसदा मानो तिन की परम पवित्र परम पूजनीक चरण तूड़े मांगे मंगदा है। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आपे किते करतारे। नानक होकमे मन्ने सोख पाईए गुर शब्दी विचारे। तन परम पूजनीक सचे सतगुरु नानक देव साहब जी दे तीजा तीजे महला स्वरूप सचे सतगुरु अमरदास साहब जी फरमाउंदे हन हे भाई सतगुरां दी महा महा बिस्मात ब्रह्म दृष्टि च जिया दे गुण ते अवगुण समान बराबर है हन। क्योंकि इह जे जेहड़े जीव हन ए करतारे जी ने आपे पैदा कीते हन। कलजुगी जिया दे अवगुणा दी विचार छड के गुर शब्दी शब्द जी दी ब्रह्म विचारे करके वाहिगुरु जी दा हुक्म मन्या मन के आत्मनंद सोख पाईऐ पाईदा है। इस लई सचे सतगुरु साहिब जी जिया दे अवगुण देख के गुस्सा नहीं करदे। उन्हां नूं गुरु शब्द वश के सवार के तार लैंदे हन। जिवें महाराज साहिब दा आशा बहुत उच्चा है जे अवगुणी जी ते महाराज साहिब जी भी राह तार लैण उन्हां नूं गुरु शब्द ना बख्शण ते उहदे अवगुण ना कढण। जिवें कोई बंदा बैड है कतल कर रहा है नशे ड्रग वरत रहा है पाप कर्म कर रहा है ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਯੁਗ ਚ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ।
महापुरुष पूर्ण संत बाबा गुरबचन सिंह साहिब खालसा जी कहिंदे कि भाई जे आप जी दूजियां दे औगुण ही देखदे रहोगे तां औगुण तुहाडे च भी आ जाणगे। सो औगुणा दी विचार छड के हर वेले गुरसाहिब जी दी सो विचार करनी चाहीदी है। कोटान कोट नमस्कार। परवरदिगार अपार आगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता साचो चुमा पैर मू। हे सतसरूप वाहिगुरु सचे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिन्ना गुरमुखां ने आप जी नू सच स्वरूप पछाता पछाणिया है, मू दर्शन दास उन्हां दे पैर चुमा चुमदा है, ओह गुरमुखे आगम गमता पहुंच रहत अपार पारावार रहत बेअंत बख्शां सहत, सब नू परवतगार पालन वाले तू आप जी दा ही स्वरूप हन। उन्हां नू तू आप जी अगम गमता रहत अपार पारावार रहत बेअंत बख्शां सहत, परवतगार पालन वाले हूं जी। रंगा रंगा दे गुर शब्द कीर्तन शब्द अर सुना के उन्हां दे दिल दिमाग च गुरबाणी भेज के उन्हां दी रचिया सहत प्रतिपालना करदे हों जी। सब को पूरा आपे होवे घाटे न कोई आखे, पाते परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापै। सच सबना होए दारू पाप कड्डा तो होए, नानको बखाना बेनती जिन सचो पले होए। तू चौ सजन मेंडिया डेई से सो उतारे, नैन महजे तरस दे का दे प्रसिद्धि दार। शहीदा दे सरताज राजन के राजा महाराजन के महाराजा, तन परम पिता धर्म तुजा अर्जन हर भगता। गुरु अर्जन देव साहिब जी गिरी निवास सचे सतगुरु जी अपने परम पूजनीक पिता धन सतगुरु रामदास साहिब जी ते बड़ी भारी श्रद्धा ही श्रद्धा रखदे आ, अति ही निम्रता सहत फरमा रहे हन। हे मेंडिया दर्शन दस दे सज्जन मित्र, सज्जनो सच्चा पाते साहो सेरे साहां दा साहो जियो। ये तू आप जी चौ कहो, हे प्यारे बच्चे आप जी दे सिर दी लोड़ है, तां दर्शन दास सह सो सिर उतार के डी दे देवे। जे कहो सिर क्यों दिंदा है, सिर इसलिए दिंदा है कि मिंजे दर्शन दास दे नैन आप जी दे परम पितर शुभ सच्चे दर्शन तरसदे हन के का दे कदों आप जी दे सुंदर दीदार दर्शन पसी परसन प्राप्त होन। पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मोह चंदा। उबली देवी च बैठ के गुरबाणी गाउन वाले, तत्ता रिता सीस ते पवाउन वाले, सर्दी वर्दी मजदी लोह ते समाधी लाउन वाले, अमृत रूप कीर्तन सुनाउन वाले, हिये को प्रीता मोह अंग अंग सुखदाई, पूर्ण ब्रह्माई प्रीतम प्रेम भगत के दाते। बाबोलो मेरा वड समर्था, कारण कारण प्रभु हारा, पूर्ण हारे स्वरूप तन सतगुरु पंजे पातशाह जी, तन तन सतगुरु रामदास साहब जी दे सनमुख। पौड़ी चार दे हन असा ब्रह्म रूपी मंदिर ते चल लई, सुगुण रूपी टंबिया वाली प्रेम भगती रूपी पौड़ी विचारदे हन। हे कारण कारण समर्थ वाहिगुरु तन तन सतगुरु रामदास साहिब जी, ओ जा जदों तू आप जी मेरे दर्शन दास दे वाले तरफ पख च है हो जी। ਜਿਵੇਂ ਅਤੀ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ਣ ਰੂਪ ਪੱਖ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਹੇ ਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹੇ ਥਾ, ਇਹ ਬਿਸਮਾਦ ਲੋਕ ਵਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ
पूर्ण पख कीता तां क्या मोह छंदा तां दर्शन दास नूं किसे दी क्या की मोह छंदा मुछंदगी अधीनगी है। जिवें भाई मनी सिंह साहब जी ने बंद बंद कटाउण समय जालमां दी अधीनगी नहीं मन्नी ए हुक्म कमाया जा तू मेरे वाले है तां क्या मोह छंदा तू दो सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा जा जदों दर्शन दास तेरा आप जी दा बंदा गुलाम लाला गोला दर्शन दास है तां तू दो आप जी ने मैनू दर्शन दास नूं सब किछ सौंपिया बख्शिया है। जिवें धन सतगुरु दसवें पातशाह जी नूं बंदा सिंह जी ने कहा हुण दर्शन दास आप जी दा बंदा है सचे सतगुरु जी ने उस ते बख्शिश करके सब कुछ बख्श दिता लखमी तोट न आवई खाए खर्चे रहंदा आप जी दी हुण ऐसी महाविश्वास बख्शिश हुई है आप जी दी बख्शी हुई लखमी माया दर्शन दास आप खाए खांदा है गुरु जी दे लंगर गुरुद्वारे दी सारी ते गरीबां ते खर्चे खर्चदा रहंदा रहंदा है फिर भी तोटे काटा ना नहीं आवई आउंदा जथा खावे हे खर्च हे अराले मेले भाई तोटे न आवा वध दो जाई लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा दर्शन दास नू प्रेम नाम बख्श के वड्डा राजा दाता बना दिता जथा जे सो नामु हृदय सोई वड राजा इस लई मेदनी धरती ते 84 लख जून दे सब जीव दर्शन दास दी सेव करंदा करदे हन जथा अवर जो ने तेरी पनिहारी ए सो धरती मह तेरी शकदारी सगल जो ने मह तू सेरे धरिया एह वैरी मित्र सब कीत्या नह मंगहे मंदा संसारी वैरी अथवा काम क्रोध वैरी जो दर्शन दास नूं मारदे सन अथवा वैरी इंद्रे जो आपो अपने विषय वल खिचण रूप मारदे सन सतगुरां ने कृपा करके एह सब वैरी दर्शन दास दे मित्र कीत्या कर दिते एह जो उपरोक्त वैरी सन हुण मंदा बुरा नह मंगहे मंगदे भाव अपने वल खिच के बेपत नहीं करदे दर्शन दास भी किसे दा मंदा बुरा नह मंगदा यथा परका बुरा न रखो चीत तुमको दोखो नहीं पाई मीत नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला लेखा कोई न पुछे जा हारे बख्शंदा हे सब नू हरा भरा करन वाले पूर्ण जपा जापे हरे वाहिगुरु जी जा जदों आप जी दर्शन दास नू बख्शंदा बख्शन वाले हो ता लेखा हिसाब कोई पी ना नहीं पुछई पुछेगा जिवें हरि गुरु नानक साहिब जी ने सज्जन ठग कौडा राक्ष देवलूत लाज वर्द आदि राक्षसां नू बख्श के लेखे तो बचाया जी आनंद पाया सुख पाया मेले गुर गोविंदा हे गोविंदा परम पूजनीक सर्व कला पर पूर प्रभ बिरथा जानन हार असंख नूर ही नूर पूर्ण आनंद स्वरूप हर समय शब्द अंदर बाहर जपा जाप कर रहे सर्वव्यापी महाबसमाद जपा जाप वाहिगुरु गुरु जी आप जी नू मेल के महाविश्वास आनंद पया होया आत्म सुख हो पाया है सबे का सवार जा तुद पावंदा जा जदों दर्शन दास तुद आप जी नू पावंदा पा गया ता आप जी ने दर्शन दास दे परमार्थक व्यवहारक सबे का सवार सवार दते जिवें सरोवर रचने गुरु के लंगर चलाउणे हरी रूप श्री हरिमंदर साहब जी अते सतगुरु ग्रंथ साहब जी रचने आदि सदा ले अपने प्यारे सेवकां दी कल्याण करनी।
ਸਲੋਕ ਡੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਖੋਂ ਲਾਏ ਹਬ ਮਰਾਣੋ ਪਛਾਣੰਦੋ ਕੋਏ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਮਾਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ 15ਵੇਂ ਡੱਖਣੇ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਦੋਹਰੇ ਵਾਂਗ ਡੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਿੰਦਾ ਚੂਲੀ ਈਰਖਾ ਵਕਾਰ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰੇ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਥਾ ਮਾਰਾਂ ਮੁਣਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਾਕੋ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਵਾਣੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਮੁਖੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਹਬ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਮਰਨ ਅਲਾਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨੋ ਅਥਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਏ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਛਾਣੰਦੋ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਮਰਨੋ ਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਖਾ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਯਕੀਨਾ ਹਿੱਕ ਸਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਰਮ ਪਾਕ, ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ, ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੋ ਤੂੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿੱਕ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਉ ਸਾਥ ਹੈ। ਜਥਾ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰੇ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਐ, ਪੀ ਵਿਕਸੈ ਅਸਨੇਹ ਜਲ ਮਹਿ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ, ਬੇਨ ਜਲ ਮਰਨ ਤਨੇਹ ਹਾਰੇ ਮੇਰੋ ਪੇਰੋ ਹੋ ਹਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ, ਰਾਮ ਬਡੇ ਮੈਂ ਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਪੁਰਖੇ ਕ ਭਗਵਾਨਾ ਜੋ ਤਾਨੋ ਚੀ ਰਹੇ ਅੰਗ ਨਮੋਰੋ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਤੋਰੋ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਪਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ। ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮੱਥਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅਸੰਖ ਅਨੰਤ ਲੱਖਾਂ ਮਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪੀ 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 ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਰੂਪੀ ਹਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੁਭ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਰੂਪ ਮੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਚੱਲ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਹੱਥਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭੈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਇੰਨੀ ਪੈਰੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਰੂਪ ਪੱਖਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ
जीवन की छाडे आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारा पास निराहार निर्वैर सुखदाई निराहारी निर्वैरो समाया निरहारी केशव निर्वैरा तानो तानो हारे ज्ञानी सतगुरु हमारा जेन बैरी मित्रो हमको सब सम दृश ते दिखाई अपरोकत गुणा सहत पूर्ण पूर्ण ब्रह्म स्वरूप धन गुरु अर्जन देव साहब जी नु अनंत बार नमस्कार प्रवान होवे जी। आप जी उबल दी देख अंदर बैठे तारिता शीश ते पवाया सर्दी बलदी मज दी रोह ते खड़े दुश्मन मित्र चो समदृष्टि दा उपदेश बख्शिया जसा गौर प्रसाद नानक समदृष्टा दुख भुख त्रेह उनिंदरा अकह सह कष्टा नु अमृत करके पीता पाना मनन दा सब कुछ खाया वाहो वाहो सचे पात साह तू सची नाई आप निरंकार सतगुरु पंजे पातशाह जी दे पास एक श्रद्धालु ने प्रेम बेनती कीती जी दर्शन दास ने सिखी दा दान बख्शो ता हजूर ने खंडा ब्रह्मणा नु उदाहरण तृप्त करन लई परम पितर एह श्लोक फरमाया श्लोक महला पंजवा पहला मरण कबूल जीवन की छाडे आस मरण बारे निर्णय है सतगुरां नूं सिर अर्पणा जिथे सतगुरां नूं लोड़ होवे उथे धीआं भैणां दी इज्जत बहु गरीब नूं बचाउण लई धर्म युद्ध लड़के सतगुरां दा हुक्म मन के शहीदी पा जाण दा नाम मरना है ऐसे मरण बारे फरमाया है मरण मनसा सूर्या हाको है जो होए मारे ने परवानो जिमे बाबा आलम सिंह साहब जी बाबा उदय सिंह साहब जी पंज प्यारे चार साहबजादे तमाम सिंह सिंघणिया शहीद होए तन सतगुरु नानक देव साहब जी दे पंजवा पंजवे महला स्वरूप तन सतगुरु अर्जन देव साहब जी श्लोक फरमाउंदे हन हे प्रेमिया पहला गुरु लई मरण शहीदी पौनी कबूल परवान कर मरना कबूल करके जगते जीवन की दी आस छाड़ दे जैसा जो तो प्रेम खेलन का चाओ शेरो तारे तली गली मेरी आओ ए तो मारे गे पैरो त्रीजे शेरो दीजे कान न कीजे गगन दमामा बाजो परियो निशाना काओ खेतो जो मांडो सूरमा अब जुजन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लरा दीन के हेत पुरजा पुरजा काटे मरे कबहू न छाडे खेतो जीवन की छाडे आस मरना कबूल करके जगते जीवन दी आस छड के गुमान नहीं करना कि मैं सिर दिता है हेकमत हुजत चतुराई छड़ के हो समना की रेणुका तो आओ हमारा पास समना सारिया की दी रेणुका चरण तूर हो होना करो तो ता सिखी प्राप्ति लई हमारा पास आओ जी प्यारे।